अगर हम बीज उपचार की बात करते हैं तो रोग से बचाव के लिए बीज उपचार का क्या महत्व है? बीज उपचार बहुत ज़रूरी है, ताकि जैसे अभी मैंने बोला जो बैंगनी धब्बे जो रोग है उस वो मूलतः बीज से ही फैलता है, बीज ही मेनली उसका रीज़न है। तो उसके कारण क्या होगा, बीज उपचार करने से उसको हम रोक सकते हैं। बीज उपचार के लिए जैसे कप्तान हो गया, थीरम हो गया, ये 2 से 3 ग्राम प्रति kg अगर हम बीज को शोधन करेंगे तो इसको हम इस रोग से बचा सकते हैं। किसान भाइयों जो इस रोग से जो उनको हानि पहुँच रहा है उसकी उपज में वो लोग बहुत लाभ ला सकते हैं। प्याज में जैसे रसात कीट हो गया, माहू कीट हो गया, इसके अलावा भी और एक कीट है जिसको बोलते हैं मैगट। वो मूलतः 9 से 10 मैगट जो है वो कंद में एक कंद को क्षति पहुंचाने में सक्षम रहते हैं, और इनके खाद्य के कारण जो उसका कंद है वो खोखला हो जाता है। कभी कभार जब हम लोग उसको स्टोरेज में रखते हैं, जैसे भंडगृह में रखते हैं, भंडार में रखते हैं, तो वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है, सड़न शुरू हो जाता है। इसके कारण भी किसान भाइयों को उपज में बहुत हानि पहुंचती है। तो इसके सड़ने के कारण दूसरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको दूसरे जीवाणु को भी ये एक तरीका देता है कि इसके संक्रमण के कारण दूसरे जीवाणु को भी संक्रमण होने में ये बहुत उत्साहित करते हैं। वहीं पे जैसे मैंने बोला कि बैंगनी धब्बे हैं, उसके साथ साथ दो और ऐसे रोग हैं जो प्याज में, बरसाती प्याज में हानिकारक हो सकते हैं। उसमें एक है सफ़ेद गलन, जो क्या होता है, जो प्याज के कंद के ऊपरी वाली हिस्सा है, ज़मीन के ऊपर के जो भी हिस्से हैं उसमें सड़न हो जाते हैं, उसमें सफ़ेद रंग के फफूंद आ जाते हैं, और कभी कभार उसका ही सरसों के दाने की जैसे कुछ आकार मिट्टी के ज़मीन के परत पे गिरा हुआ मिलता है, उसको स्क्लेरोशियम बोलते हैं। तो इसके कारण जो पौधा है, जो फसल है, वो बहुत हानि पहुंचती है। इसको रोकने के लिए भी किसान भाइयों और बहनों नर्सरी में जो उच्च परिमाण के जो सीड है उससे नर्सरी ग्रो कर सकते हैं, और फिर जब ये रोग लग जाए उसमें भी उसको रोकने के लिए फफूंदी नाशक जैसे कार्बिंडाजिम 0.1% का उपयोग करके उसको रोक सकते हैं 10 दिन के अंतराल में। और कभी कभार हम जैविक नियंत्रण के लिए भी कुछ फफूंद या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी, उसको अगर गोबर खाद के साथ मिला के ज़मीन में दिया जाए तो इस रोग से भी किसान भाई बच सकते हैं। चलते चलते हमारे किसान भाइयों को क्या कुछ विशेष जानकारी देना चाहते हैं बरसाती प्याज उर्वरक प्रबंधन एवं कीटों के बारे में? रबी में कोई भी किसान भाइयों या बहनों, रबी में ही प्याज का जो उपज है उनको बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आजकल बहुत सारी ऐसी वैरायटी आ चुकी है जिससे वो खरीफ के मौसम में भी, बरसाती मौसम में भी प्याज का उपज वो लोग अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन कोई भी उपज कीड़े या रोग से बच नहीं सकते, तो हमको और किसान भाइयों को हर समय जब फसल लगाई जाई होगी तो उनको फील्ड में थोड़ा मॉनिटरिंग जिसे बोलते हैं वो करना पड़ेगा, ताकि जब भी कोई कीट या रोग दिखे वो जब उसका सही समय हो उसके हिसाब से वो लोग कोई भी उसका उपचार करने के लिए सही तरीके का और सही परिमाण का कीटनाशक या फफूंदी नाशक जो भी हो उसका वो लोग प्रयोग कर सकते हैं।